बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग विद रानिया। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाले आलू बैंगन। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को दें। आलू बैंगन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें मैंने दो दरमियानी आलू लिए हैं। इनको मैंने इस तरह से चौकोर चौकोर या क्यूब में या किसी भी तरह से काट लें आप, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, दरमियाने साइज़ के हैं। उसके अलावा मैंने एक बड़ा जो है वो बैंगन लिया, उसको भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में काटा हुआ है। ये तकरीबन 300 ग्राम्स का है बैंगन, देखना। इसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। उसके अलावा जो मसाले जाएंगे इसमें, उसमें मैंने एक दरमियानी प्याज ली है, जिसमें से आधी प्याज को मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक काटा है और एक प्याज बाकी जो आधी है उसको मैंने इस तरह चौकोर चौकोर काट लिया। उसके अलावा आधी शिमला मिर्च ली है, उसको भी क्यूब्स में काटा हुआ है। और ये दो टमाटर लिए हैं, इनको बिल्कुल बारीक काटा है मैंने, ये देखिए। उसके अलावा ये हरा धनिया है, हरी मिर्च है। मसालों में जो चीज़ जाएगी वो है ये 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया, दोनों मिलके 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन है। 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून ये पिसी हुई लाल मिर्च है। सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई करेंगे। मैं तकरीबन आधा कप से 3/4 कप के दरमियान जो है वो ऑयल लूँगी और उसमें सबसे पहले हम आलू फ्राई करेंगे। तेज आग पे करेंगे। ये देखें आलू हो गए हैं बिल्कुल फ्राई। अब मैं इनको निकाल लूंगी आग हल्की करके। अब इसमें सबसे पहले ये जो बारीक प्याज है इसको हम गुलाबी करेंगे डाल के। इसको गुलाबी करना है, तेज़ आग पे ही करेंगे। ये देखें प्याज गुलाबी हो गई है। अब इसमें सबसे पहले ये टमाटर जाएंगे। और साथ ही सारा मसाला लहसुन और ये सारा मसाला इसके अंदर जाएगा। और इसको अच्छी तरह से इस वक्त हमने तेज़ आग पे भूनना है। ये देखें ये मसाला इसका भून गया। अब इसमें मैं ये जो बैंगन थे ये और साथ ही फ्राई किए हुए आलू ये डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और इसमें तकरीबन आधा ग्लास या आधा कप के जितना पानी डाल के इसको तेज़ आग पे बिल्कुल फुल आग पे मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी ढक के। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये तकरीबन हाफ डन ना हो जाए। ये तकरीबन हो गए पहले आलू बैंगन की सब्जी तैयार है। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगी, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजेदार बनती है। और दुआ में याद रखिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले